भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भारतीय संविधान को बदलने की निरंतर बात कर रही है। कभी प्रधानमंत्री के निजी सचिव, निजी सलाहकार सचिव जो हैं वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है इस देश के अंदर तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो तमाम तरीके की बातों पे जो है झूठ बोलते हैं। वही तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ तमाम राज्यों में जो है महिलाओं के साथ शोषण है, उत्पीड़न है। देश के अंदर चुनावी तौर पर हिंदू लाते हैं, अब आजकल नया एक प्रोपगंडा ला रखा है सनातनी। पहले चुनावी हिंदू बनाते हैं, अब आजकल नया जो है सनातनी बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के हक अधिकारों को खत्म करना चाहती है, कुचलना चाहती है। मनुवाद नहीं, मनुस्मृति कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है लागू होती जा रही है। इस समय हम डावड़ी के पास है जहां पर भीम आर्मी के द्वारा संविधान यात्रा निकाली गई है। संविधान यात्रा इसलिए क्योंकि जो वर्तमान में सरकार है वो कहीं ना कहीं संविधान के विपरीत चल रही है। आप पीछे बैकग्राउंड में जैसा देख रहे होंगे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के काफ़ी कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल हुए हैं और सरकार को साफ साफ चेतावनी दिए हैं कि अगर संविधान के खिलाफ कुछ भी होता है तो इसका पुरजोर विरोध करेगी। हमारे साथ हिमांशु वाल्मीकि जी। आर्मी भारतीय संविधान बचाने का, भारतीय संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा, संकल्प यात्रा लेके माननीय चंद्रशेखर जी के आह्वान पे गांव गांव गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रही है। आज द्वारका के ज़िले में जो है हमारा प्रोग्राम था, मगर पुलिस ने जो है पता नहीं किसके कहे पे जो है भाजपा के लोगों के कहे पे जो है हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब किया, कुछ लोगों को डिटेन किया, मगर उसके बावजूद भी पुलिस की तानाशाही के बावजूद भी हमारे लोग नहीं झुके और अपनी यात्रा को हमने पूर्ण करा और लाके डाबरी चौक पर हमारा जो है उसे समापन करने का वो था, हमने यहाँ समापन किया। मगर ये यात्रा अब रुकने वाली नहीं है। ये गली गली मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में जहाँ हमारे लोग पाए जाते हैं वहाँ पर हर जगह जाएगी यात्रा और भारतीय संविधान के बारे में लोगों को बताने का काम करेगी किस तरह से ये तत्कालीन सरकारें जो है भारतीय संविधान को बदलने की काम कर रही हैं। आखिर भीम आर्मी को क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि हर समय भीम आर्मी संविधान की रक्षा करती है फिर भी आप संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। भारतीय संविधान की बदौलत ही दलितों का जो है भविष्य है, भारतीय संविधान की बदौलत ही दलितों का इतिहास है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है भारतीय संविधान को बदलने की निरंतर बात कर रही है। कभी प्रधानमंत्री के निजी सचिव, निजी सलाहकार सचिव जो हैं वो भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो कभी इनके बाबे हम धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, एक वो हैं सूरदास हैं, उन्हें दिखता नहीं है मगर भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बात करते हैं। तो इस तरीके के लोग जो भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं उनके खिलाफत में, उनके विरोध में, उनको जवाब देने के लिए के कितने भी संविधान के रक्षक हैं, कितने लोग संविधान के चाहने वाले हैं, कितने लोग हजारों लाखों करोड़ों लोगों को भारतीय संविधान की बदौलत जो है मान सम्मान स्वाभिमान से ज़िंदगी जीने का मौका मिला ये दिखाना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री उसी संविधान की शपथ लेते हैं और कहते हैं कि सबसे अगर कोई रक्षा कर रही है तो बीजेपी कर रही है संविधान की रक्षा। एक शब्द में अगर कहूँ तो देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं। अगर सबसे बड़ा कोई झूठा है इस देश के अंदर तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वो तमाम तरीके की बातों पे जो है झूठ बोलते हैं। वही तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ तमाम राज्यों में जो है महिलाओं के साथ शोषण है, उत्पीड़न है, जाति के साथ अन्याय, अत्याचार है। वो कहते हैं दलितों को मत मारो, उसके बावजूद भी रोज लोग दलितों को मारा जाता है। मुझे ऐसा लगता है वो दलितों को मारने के लिए स्पेशली ये कह रहे हैं कि दलितों को मत मारो, इंडिकेट कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि अब और मारो, समझे। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे बड़े झूठे जो होंगे कोई तो उसमें सबसे बड़े प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ये देखिए जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं हिंदुओं को। जब जब बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों के प्रति सजग होंगे, जब जब हमारे लोग भारतीय संविधान के प्रति सजग होंगे, जब जब हम लोग अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति सजग होंगे तो इनके पेट में दर्द होगा। इसी तरह से जैसे बहुत पुरानी मांग थी माननीय साहब काशीराम जी की, वो लगातार ये बात करा करते थे कि जातिगत आधार पर जो है आरक्षण होना चाहिए, जातिगत आधार पर ही गिनती होनी चाहिए, लोगों की जनसंख्या की गिनती होनी चाहिए। अब वो बिहार सरकार ने करा दी है तो लोगों के पेट में दर्द हो गया, क्योंकि जो लोग इस देश की शासन सत्ता पे जो है काबिज हैं, 98% तक वो लोग काबिज हैं। इस देश की धरती पे जो जिनका हक है, जिन्होंने जो अपना हक समझे जो है धरती कब्जाए बैठे हैं, उन लोगों के पेट में दर्द होना लाजिम। इस तरह तो समझ लीजिए एक तरह से हिंदुओं की संख्या ज़्यादा होगी। अगर संख्या बल की बात करेंगे प्रधानमंत्री बोलो, देखिए विपक्ष के लोग हैं माइनॉरिटी, खास करके मुस्लिमों ज्यादा समर्थन कर रहे हैं। ये लोग जो हैं
इस देश के अंदर चुनावी तौर पे हिंदू लाते हैं, अब आजकल नया एक प्रोपगंडा ला रखा है सनातनी, पहले चुनावी हिंदू बनाते हैं, अब आजकल नया जो है सनातनी बना रहे हैं। उसी तरह से जब हम लोग सब वंचित वर्ग के लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं, उनके उनके जाति के आधार पे, उनकी संख्या के आधार पे वो तमाम सारी चीज़ बांटने की बात कर रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द है, क्योंकि कई घर की ज़मीनें जो हैं खिसक के ना चली जाएं, जिन साधन पे इनका कब्जा है वो जो है कमज़ोर वंचित वर्ग के लोगों के पास जो है अगर चला गया तो इनकी गुलामी कौन करेगा, इनके फैक्ट्री इनके कारखानों में काम कौन करेगा, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सजग हो जाओ अपने हक अधिकारों के प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों के हक अधिकारों को ख़त्म करना चाहती है, कुचलना चाहती है। अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना है तो आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एक नया संसद जब तैयार हुआ उसी नए संसद में एक सांसद को इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, और वहीं भीम आर्मी के कुछ अध्यक्ष उपाध्यक्ष बोल रहे हैं कि ये देखिए अब पूरी तरह मनुवाद कहीं ना कहीं हावी होता जा रहा है। मनुवाद नहीं, मनुस्मृति कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है लागू होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी महापंचायत जिसको सब लोग जो है एक धर्म की पंचायत के तौर पर देखते हैं कि भाई जहां जो बात होगी वो सही होगी, वहां जाति के आधार पर किसी जाति को विशेष टिप्पणी करके उल्टा सीधा बोला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, निष्कासित नहीं किया जाता उसको और बढ़ा के जो है हरियाणा और तमाम जगहों का प्रभारी बनाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो है सोची समझी साजिश है। आपने देखा होगा वो वीडियो, बराबर में ही पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हर्षवर्धन बैठे हैं, रविशंकर बैठे हैं और वो हंस रहे हैं, पूर्व सीनियर साथी हैं वो, तमाम तरीके का उन्हें अनुभव है। उसके बावजूद तरफ से एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि इस बारे में मेरे को पता नहीं है और मैं कैसे हंस सकता हूं। बेशर्म है, बेशर्म। इन लोगों की ही यही नीतियाँ हैं कि लोगों को बांटें और हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाएं और राज करें, मगर अब लोग जो हैं तैयार हो रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी बहुत लोग तैयार हो रहे हैं। मैं लगातार कल भी प्रोफेसर रितु का धरना था, वहाँ भी देखा हजारों की संख्या में थे, और आज भी यहाँ पर जो है भारत बचाओ संविधान बचाओ भारत बचाओ संकल्प यात्रा में भी बहुत लोग थे, पुलिस ने डिस्टर्ब किया, मगर हम तानाशाही बिल्कुल भी एक से लाख बर्दाश्त नहीं करने वाले। अगले हफ्ते दोबारा जो है कहीं ना कहीं जो है भारत संविधान बचाओ देश बचाओ यात्रा निकलेगी और अपनी आवाज़ को मजबूती से उठाएंगे उन कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को जो इस देश के अंदर हजारों सालों से वंचित हैं, जो सफाई कर्मी वर्ग के लोग हैं, जो जूता पॉलिश करते हैं, जो घड़ा बनाते हैं, जो दूसरों के घर में काम करते हैं, उनको संविधान की ताकत के बारे में बता के उनके हक अधिकारों के प्रति सजग करने का काम करेंगे, उनके आने वाली पीढ़ी को मजबूत करने का काम करेंगे। यही भीम आर्मी का लक्ष्य है, यही आजाद समाज पार्टी का लक्ष्य है, यही हमारे संतों गुरु और महापुरुषों का लक्ष्य रहा है और उसको हम पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। देखिए किस तरह से हमारे साथ अभी हिमांशु वाल्मीकि जी थे, राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य हैं, और उन्होंने खास बातें कही कि जिस तरह से बीजेपी सरकार, जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, किस तरह से संविधान पर हमला कर रहा है, और अभी यहां पर जो दावड़ी मोर पर संविधान बचाओ यात्रा निकली है, भारी विशाल संख्या में यहां पर आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस रैली में भाग लिए और सरकार को चेतावनी साफ साफ शब्दों में बता दिए हैं कि अगर संविधान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होता है तो इसके अंजाम बुरे भुगतने पड़ सकते हैं। न्यूज डिक्शनरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।